स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ एक लैंप शेड को जो मैंने अमेजोन से मंगाया है। कुछ इस तरह का इंटरफेस था जब मैंने अमेजोन पर सर्च किया था, आप देख सकते हैं। कीमत की बात करें तो ये है 300 रुपये का, और इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं इसे। एक हाथ में कैमरा है तो एक हाथ से ही मुझे ओपन करना पड़ रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा बेतरतीब दिखाई दे सकता है बट चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा और बेहतरीन लुक इसका है, ग्लोसी लुक है, और जैसा मैंने मंगाया था, सर्च किया था अमेज़ॉन पर, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बिल्कुल भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। अब इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं, नाप ले लेते हैं, 6 इंच जो कि इसकी लंबाई है, बिल्कुल सेम जो कि दिखाई गई थी। इसका जो डायामीटर था वो 8 इंच दिखाया था, बताया था, ये देखिए 8 ही है, बिल्कुल सेम। और अब इसका ऊपर की तरफ से नाप लेते हैं डायामीटर, ये है 4 इंच, तो जैसे मेजरमेंट बताई गई थी, जो बताई गई थी वो सेम है, आप देख सकते हैं बेहतरीन लुक है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसे लगा करके। ये जो मेरे पास पहला लैंप शेड है, ये जो ऊपर की जो शेड है ये थोड़ी मैली हो गई थी, गंदी हो गई थी, कुछ इस तरह की थी और मुझे पसंद नहीं आ रही थी, लाइट खुलकर इसमें नहीं आती थी। और मैंने परचेज़ किया है, ये थोड़ा से बड़ा भी है, देखिए इसे बड़ा भी है, और मैंने इसे लगा दिया है। अभी मैं आपको इसे दिखाऊँगा चला करके भी कैसा, ये देखिए कितना अंतर है इन दोनों में, थोड़ा बड़ा है वो इससे। तो अब मैं इसमें लाइट जला करके आपको दिखाऊंगा कि कितना अंतर इसमें आता है। ये देखिए कितना प्यारा लुक है इसका, जबरदस्त, और रोशनी भी इसमें निकल कर आ रही है। अगर आप चाहें तो लाइट बंद करके भी इसे देख सकते हैं, आप अच्छा अनुभव करेंगे। तो मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ एक बार को यहाँ पर, ये देखिए लाइट ऑफ होने के बाद भी अच्छी रोशनी दे रहा है और लुक इसका जबरदस्त आ रहा है। तो आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक गुड बाय, टेक केयर।